ओम शांति। आज की तारीख है 8/1/21 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि तुम बच्चों को एक रूहानी नशा चढ़ा रहना चाहिए। कौन सा वो नशा है आइए सुनते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। प्रश्न है, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? उत्तर है, ये दुनिया जो पुरानी आयरन एजेड बन गई है उसे नई गोल्डन एजेड बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपनी हम जिन्स को उठाना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्री मत में मन मत मिक्स नहीं करनी है, ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। नंबर दो, अपने हमजिन्स के कल्याण की युक्ति रचनी है। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। बाबा कहते धोखे वाला मान नहीं, अंदर में मान की भावना ना हो और ऊपर ऊपर से मान देवे। वरदान सतगुरु का रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। बाबा कहते हैं कि बुद्धि की महीनता व हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, महीनता ही महानता है। लेकिन इसके लिए रोज अमृत वेले अशरीरीपन की रूहानी एक्सरसाइज करो और व्यर्थ संकल्प के भोजन की परहेज रखो, अर्थात व्यर्थ संकल्प नहीं चलने चाहिए। परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल हो। जिस समय जिस संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो उस समय वही करो, व्यर्थ संकल्प का एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। तब महीन बुद्धि बन फरिश्ता स्वरूप के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। स्लोगन है, महान आत्मा वह है जो हर सेकंड हर कदम श्री मत पर एक्यूरेट चलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।